दोस्तों 4-5 मई की रात की घटना से हर कोई हैरान परेशान था कि आखिर दो बारी के ओलंपियन विजेता सुशील कुमार को आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी जिसकी वजह से उनको सागर धनखड़ जैसे जूनियर पहलवान से बदला लेना पड़ा था। कहाँ सागर धनखड़ 23 साल का, कहाँ सुशील कुमार 38 साल के, कहाँ सागर धनखड़ सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर एक दो पदक विजेता, कहाँ सुशील कुमार दो बारी के ओलंपिक पदक विजेता और एशियन गेम्स में चैंपियन बने हैं, गोल्ड मेडल की तो दोस्तों गिनती नहीं है। तो ऐसे में सुशील कुमार को क्या ज़रूरत पड़ी, किस वजह से उन्होंने सागर से बदला लिया, इसको लेकर हर कोई परेशान है, जिसमें तरह तरह की अटकलें सामने आई कि कोई कह रहा है प्रॉपर्टी विवाद था, कोई कह रहा है सोनू महल और अजय के बीच विवाद था, सोनू महल के खिलाफ अजय ने सुशील को भड़काया, उसके साथ साथ सागर को भी पीट डाला उस रात, ये वजह सामने आई। कोई कह रहा है दोस्तों कि पहले से ही वीरेंद्र कोच को लेकर मामला चल रहा था, कोई कह रहा है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर के साथ उठना बैठना था जिससे सागर परेशान हो चुका था, उसको लगातार टोकता था, लेकिन असली रीज़न क्या है ये दोस्तों तब खुलासा होगा जब कोर्ट में सुशील कुमार की पेशी होगी और सारे गवाहों सबूतों को सामने रखा जाएगा तब। लेकिन कितने गवाह तैयार कर लिए हैं पुलिस ने दोस्तों, ये संख्या सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये संख्या 1-2 नहीं बल्कि 102 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस अधिकारियों के अनुसार सूत्रों के मुताबिक गवाहों की जो लिस्ट बनी है उसमें 102 से ज़्यादा गवाह मौजूद हैं। इनमें वो 4 पीड़ित भी हैं जिसमें सोनू महल, अमित, रविंद्र और भगत नाम के शख्स भी मौजूद हैं जिनको बुरी तरीके से पीटा गया था। साथ ही साथ सुशील कुमार के वो साथी भी जो उस रात उसका साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों बताया ये गया था कि उस रात 20 से 25 पहलवान थे और बाकी ये 4 चश्मदीद गवाह जिनकी पिटाई की गई थी, तो करीब अगर मोटा मोटा आंकड़ा भी लगाया जाए तो 30 से 35 पहलवान ही होते हैं। लेकिन बाकी लोग कौन हैं जो सुशील कुमार के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड केस में गवाही देते नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये संख्या 102 पहुँच चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको याद होगा कि सुशील कुमार ने लगातार अपने ठिकाने बदले थे, 5 राज्यों में करीब 10 से ज़्यादा ठिकाने बदले थे, जिसकी वजह से पुलिस उन ठिकानों पर छापेमारी करती नजर आई थी। तब तो खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता गया और सुशील कुमार के रसूखदारों को लेकर खुलासा हुआ कि किन किन लोगों ने पनाह दी थी, तो उनके सामने कुछ बड़ी बातें रखी गई सूत्रों के मुताबिक। या तो उनको सुशील की तरह ही सजा काटनी पड़ेगी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के लिए, ये बात जानते हुए भी कि सुशील कुमार पर इनाम है, आपने उनकी मदद की थी, आपको फिर इस मामले में चार्जशीट लगेगी, तो ऐसे में उनको खतरा था कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाना नहीं चाहते, वे सुशील कुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पुलिस कुछ अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि हर किसी को हम आरोपी की निगाहों से नहीं देखते, कोई कोई ऐसा होता है जो पूरी तरीके से हमारा सहयोग करता है, हमारा समय बचाता है, हमारे पैसे बचाता है, तो हम उसकी कुछ बातों को मानते हुए केस की जांच आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक सरकारी गवाह के रूप में बन जाता है। और ऐसे में जो लोग ज़्यादा ही बहाने बनाते हैं और उनकी इंटेंशन लगती है कि वो गलत इरादों के साथ बयान दर्ज कराएंगे ताकि कोर्ट में कुछ ऊंच नीच हो जाए सुशील कुमार को लेकर और वो बेगुनाह साबित हो जाए, तो इस वजह से पुलिस उन लोगों को दूर रखती है और उन लोगों पर केस दर्ज करके फिर आरोप लगाती है, और साथ ही साथ जो आरोप सिद्ध होते हैं उनके हिसाब से उनको मुलजिम मान के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसे गवाह भी होते हैं, लेकिन गवाहों में दोस्तों ये बात तो साफ है कि सुशील कुमार के खिलाफ अगर 102 गवाह इस केस में जुड़ चुके हैं तो उसमें और लोगों के नाम भी शामिल है, जिसमें छत्रसाल स्टेडियम के वो 10 से 15 गार्ड भी उस रात को मौजूद थे। दोस्तों बताया ये गया था कि पहले तो सुशील कुमार की मदद की थी उन गार्ड लोगों ने, क्योंकि सुशील कुमार दोस्तों एक नामी ग्रामी पहलवान थे वहाँ के और उनका सिक्का चलता था, उनकी बात लगभग हर कोई मानता था। लेकिन ऐसे में जब उस रात को सुशील कुमार नशे की हालत में लोगों से मारपीट करते नजर आए और जितने भी लोग उसके रास्ते में आए थे उन लोगों से बुरी तरीके से बर्ताव किया था पहलवान सुशील कुमार ने, जिसकी वजह से वो गार्ड भी सुशील कुमार के निशाने पर आए थे। सबसे पहले दोस्तों बताया ये गया था कि अमित रविंद्र को जब पकड़ के लाया गया तो फिर उसके बाद जब सागर उसके साथी को पकड़ के लाया गया तो कई सारे गार्ड ऐसे थे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पर मौजूद पहलवानों ने और सुशील कुमार के आदेश पर ही उनकी भी पिटाई की गई थी, उनके भी थप्पड़ लात घूंसे लगाए गए थे जब उनको फिर कहा गया यहाँ से निकल जाओ वरना तो मैं गोली मार दूँगा, क्योंकि उन सभी के पास दोस्तों उस समय हथियार थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर किसी से बदला लेना होता है या डराना धमकाना होता है तो आप हथियारों के साथ क्यों मौजूद होते हैं एक स्थान पर, और वो भी वो तब है जब आप नशे की हालत में हैं। खबरें तो यही बताती हैं कि उस रात जब सागर और उसके
उसके साथियों तक पहुंचने चाह रहे थे। तो उस रात को दोस्तों वहां पर उससे पहले एक पार्टी हुई थी जहां पर नशा भी किया गया था खुलकर, कई सारे लोगों ने शराब पी थी उस समय। तो वो लोग इस होश में नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सुबह तो होश उड़ गए होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। जब उन्हें पता चला होगा कि सागर की जान चली गई और अब वो बुरी तरीके से फंसने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार की वजह से। तो दोस्तों ये मामला ऐसा बन चुका था कि छत्रसाल स्टेडियम के गार्ड के साथ मारपीट की थी, उसके बाद उन्हें वहां से भागने के लिए कह दिया था, फिर सागर और उसके साथियों की जमकर पिटाई की थी। उससे पहले कार पार्किंग का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और जितने भी दरवाजे थे वो सब बंद कर दिए थे ताकि बाहर से कोई यहां ना जा सके और अंदर जो बाहर मौजूद है वो अंदर ना आ सके। और जब पुलिस भी आई थी दोस्तों तो उनको गेट फांग कर आना पड़ा था क्योंकि गेट बंद था और गेट काफ़ी मजबूत होते हैं, कोई घर के नॉर्मल गेट की तरह नहीं कि लात मारो टूट जाए, वो गेट काफ़ी मजबूत होते हैं जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ गई थी। तब तक मैं ऐसे में तब तक सुशील के साथी और बाकी जितने भी पहलवान वहाँ मौजूद थे सुशील के साथ वो फरार हो चुके थे। कुछ एक आधे पहलवान थे जो उस समय भाग नहीं पाए थे, वो मौकाए वारदात से पकड़े गए थे जिसमें प्रिंस नाम का शख्स भी था। तो ये दोस्तों जो गार्ड हैं और जो सुशील के साथी हैं ये तो हो गए अब जो गवाही देंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मॉडल टाउन और शालीमार बाग के भी कुछ लोग शामिल हैं। जैसे जब अमित और रविंदर को गिरफ्तार यानी कि किडनैप किया गया था सुशील कुमार के साथियों के द्वारा सागर और उसके साथियों का ठिकाना पता करने के लिए, तो वहां पर दोस्तों उनको किसी दुकान से गिरफ्तार यानी किडनैप किया गया था। तो ऐसे में उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने भी देखा था कि सुशील कुमार कैसे क्या करवा रहा है, कैसे कौन लोग हैं उस कार के अंदर। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं गवाही देने के लिए तैयार हो गए सूत्रों के मुताबिक। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शालीमार बाग और मॉडल टाउन के फ्लैट के आसपास रहते हैं। और अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब सागर सोनू को लेकर आ रहे हैं तो ये तो नहीं कि बिल्कुल एकदम आराम से चुपचाप उन्होंने कहा होगा कि चलो तो वो चल दिए होंगे, ऐसा नहीं, इनके बीच भी कुछ ना कुछ झड़प हुई होगी, वो कुछ पड़ोसियों ने नोटिस किया होगा, तो कुछ लोग उनमें से भी गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। और कुछ सागर के कुछ साथी हैं जो जूनियर पहलवान के साथ पहले से ही रहते थे छत्रसाल स्टेडियम में, वो सागर को बखूबी जानते हैं कि उनके बीच क्या कुछ चल रहा था सुशील कुमार और सागर के बीच, जिसकी वजह से छत्रसाल स्टेडियम में डर का माहौल बना हुआ था सुशील को लेकर। तो वो लोग भी गवाही देने के लिए सूत्रों के मुताबिक तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध शाखा ने 102 से ज़्यादा गवाह तैयार कर लिए, जिसमें छत्रसाल स्टेडियम के गार्ड, मॉडल टाउन और शालीमार बाग के लोग शामिल हैं और इनमें 4 पीड़ित गवाह भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि सुशील कुमार जहां पर अभी तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेगुनाह साबित हो जाए, अब वकील कैसे दोस्तों इन सारे गवाहों का सामना करेगा, ऐसे क्या बातें रखेगा जिसकी वजह से कोर्ट सुशील कुमार को बेगुनाह मान ले। क्योंकि सुशील कुमार से जब ये पूछा गया क्यों किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि दो गुटों के बीच झड़प हो रही, मैं तो सुलझा रहा था। फिर पुलिस ने उनसे ये भी पूछा कि तुम झड़प सुलझाने के लिए हमेशा क्या लाठी से बात करते हो, यानी तुम लाठी से क्यों पीटते नजर आए थे, लात घूंसे थप्पड़ ही मार सकते थे या डरा धमका के भगा सकते थे। तो उसने कहा हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे, हमको समझाने के लिए लाठी का इस्तेमाल करते थे, तो हमने भी उस बच्चे पर लाठी का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी जान चली जाएगी। तो ये एक अलग मसला सामने निकल कर आया था सामने दोस्तों, जिसकी वजह से सुशील कुमार बुरी तरीके से कह रहे हैं फंस चुका है। लेकिन बस इसी बात का इंतज़ार है कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या बेगुनाह होता है या दोषी पाया जाता है। जो कुछ भी होता है दोस्तों आप सभी के सामने रखी जाएगी पूरी जानकारी। बस शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।